तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये क्या चीज़ है, ये टू स्ट्रोक गाड़ी का ब्लॉक है। तो हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब पे आपका स्वागत है। मैं हूँ अनिल बागुल और ऑटो रिक्शा गैंग में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि बहुत से ऑटो ड्राइवर गाड़ी जब नहीं लेते, एक साल दो साल जैसे ऐसी गाड़ी पुरानी होती जाती है तो गाड़ी के अंदर एक एक प्रॉब्लम चालू हो जाती है। तो फिलहाल जो भी प्रॉब्लम है वो है पिकअप का और माइलेज का, तो उसके बारे में आज का वीडियो। तो टू स्ट्रोक गाड़ी है तो टू स्ट्रोक गाड़ी में क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं, तो शुरू करते हैं। चलो सबसे पहले गाड़ी के पीछे चलते हैं। तो फिलहाल गाड़ी ये टू स्ट्रोक गाड़ी है, 10 साल पुरानी है दोस्तों। तो गाड़ी जैसे टू स्ट्रोक होने के कारण बहुत से ऑटो ड्राइवर को ये पता नहीं चलता है 6 महीने में या साल भर में या आप जब से 2-3 महीने में ये ब्लॉक भर जाता है। ये भरता क्यों, ये मतलब इसमें कार्बन क्यों जमा होता है? तो दोस्तों पहली बात एक बात समझ लीजिए, बहुत से ऑटो ड्राइवरों को ये नहीं पता टू स्ट्रोक गाड़ी का जो प्रॉब्लम होता है वो गाड़ी का ऑयल, मतलब गर्मी के दिनों में जर गाड़ी में ऑयल की कमी होने के कारण इंजन स्विच मार जाता है, मतलब गर्म होने के बाद पिस्टन और ब्लॉक के अंदर वो ओवर हीट होने के बाद गाड़ी बंद यानी ख़राब हो जाती है। दूसरा है दोस्तों, गाड़ी के अंदर टू स्ट्रोक अंदर जो टूटे ऑयल डालते हैं बहुत से ऑटो ड्राइवर वो लोकल क्वालिटी का डालते हैं, जिसके कारण भी गाड़ी जल्दी ख़राब हो जाती है। तो दोस्तों पहले एक बात समझ लीजिए, आपकी गाड़ी जब पिकअप ना ले या माइलेज में जो भी प्रॉब्लम हो तो वही कारण होता है, जो ब्लॉक पिस्टन के अंदर का जब ब्लॉक का जो ऊपरी हिस्सा होता है वो कार्बन से भर जाता है, और दूसरा है आपका साइलेंसर वो भी भर जाता है। आधा अधूरा ऑयल जलने के बाद वो अपने गाड़ी के अंदर ही पेट्रोल के थ्रू जो बाहर निकलने वाला एग्जॉस्ट की तरह वहाँ जमा हो जाता है। धीरे धीरे ऐसे करते करते 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना या बहुत दिनों के बाद गाड़ी ज़्यादा पिकअप नहीं ले पाती और गाड़ी का दम घुटने जैसा हो जाता है। तो उसके लिए अपने को एक बार फिटर के पास ये चीज़ देख लेनी चाहिए कि ये प्रॉब्लम उसी से है या कोई और भी वजह है। दोस्तों मैंने बहुत से वीडियो बनाए पिकअप के, माइलेज के, एवरेज के, उसमें से ये एक वीडियो है। फिलहाल आप देख सकते ब्लॉक और हेड खुल चुका है, अभी साइलेंसर खोलने की प्रक्रिया चालू है। तो दोस्तों ये क्यों करना चाहिए, क्योंकि बहुत दिन तक गाड़ी के अंदर ऑयल वैसे ही रह जाता है और वो पूरी तरह जल नहीं पाता है और ब्लॉक पिस्टन और साइलेंसर में जमा हो जाता है। तो फिलहाल अभी ब्लॉक खुलने के बाद उसे अच्छी तरह कोई भी नोकीली चीज़ हो आपके पास, स्क्रू ड्राइवर हो या कोई भी, जिससे आप इसे अच्छी तरह से कार्बन निकाल सकते हैं, फिर उसके बाद उसको अच्छे कपड़े से साफ कर लेना है, जिसके कारण गाड़ी का जो प्रॉब्लम है वो आपका सॉल्व हो जाएगा। फिलहाल ये जो साइलेंसर का जहाँ मुंह साफ चिपक जाता है पैकिंग के थ्रू वह भी साफ कर लेना है, जो आधा अधूरा ऑयल और पेट्रोल का जो कार्बन है वो जमा हो जाता है चिपक जाता है, और उसे साफ करने के लिए कोई इस तरह प्रोसीजर करनी पड़ेगी। तो दोस्तों अभी फिलहाल आप देख सकते हैं कार्बन निकलने का काम चालू है, और दूसरे तरफ ऑटो रिक्शा ड्राइवर जो साइलेंसर जलाने के बाद वो लेके आएगा, तब तक ये आधा काम हो जाएगा। तो दोस्तों ये दोनों काम होने के बाद आपकी गाड़ी जो चलने का जो भी प्रॉब्लम है जो पिकअप का वो पूरी तरह सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि पिकअप के लिए और भी जो प्रॉब्लम होते हैं पर उसमें से ये एक प्रॉब्लम टू स्ट्रोक में बहुत ज़्यादा रहता है। तो दोस्तों अभी साफ तो हो रहा है ब्लॉक, आप दूसरी जगह जो भी चीज़ आपका जो साइलेंसर हो जलने का उसको भी अच्छी तरह से ठंडा होने के बाद ही फिटिंग करना है, क्योंकि गर्मी के दिन ही ये प्रॉब्लम बहुत आते हैं और गाड़ी में ऑयल की कमी ना होने देना। टू स्ट्रोक ऑयल का जो टूटी ऑयल है हमेशा टाइम टू टाइम बदलते रहना है, और आप देख सकते हैं ये काम होने के बाद जो पिस्टन पे थोड़ा सा ऑयल डालने के बाद उसको मैग्नेट कॉइल और पिस्टन को एक थोड़ा हल्के हाथ से आगे करके एक स्पैनर लगा देना है, जिसके कारण ब्लॉक अच्छी तरह से फिट हो। तो दोस्तों इसको एक हेड पैकिंग और साइलेंसर की दो पैकिंग रखना है, वो पैकिंग होने के बाद एंड हेड पैकिंग और ब्लॉक का पूरी तरह फिटिंग होने के बाद आपकी गाड़ी ज़बरदस्त माइलेज और पिकअप देंगी, ये मेरा आपको वादा है। दोस्तों अब ये काम तो पूरी तरह होता रहेगा, और उसको खुलने के बाद जो फिटिंग है वो भी अच्छे से धीरे धीरे करना है, जिसके कारण कोई प्रॉब्लम ना हो और आपको आगे जाके हो। अभी फ़िलहाल पैकिंग दो जगह की पैकिंग, एक समोसा और एक गोल वाली पैकिंग आती है वो डाल देनी है, वो ज़्यादा महंगी नहीं रहती, 10 या 20 रुपये तक आपको मिल जाएंगी, और हेड पैकिंग भी डाल देना है और उसको अच्छे से स्लू से चिपका देना है, जिसके कारण हेड लॉक जो अंदर से प्रेशर अच्छे से कंप्रेसर बने और गाड़ी भागने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो दोस्तों अभी फिलहाल ये काम धीरे धीरे करना है,
14-15 का पान आपके पास हो और 10 का टी। गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों। धुआ धुआ। मुझे फॉलो करने के लिए आपको यूट्यूब या गूगल पे जाने के सर्च बार इंजन में जाने के बाद वहाँ ऑटो रिक्शा ज्ञान या फिर अनिल बागुल ये सर्च करना है। उसके बाद मेरे वीडियो लिंक ओपन हो जाएंगे। उसके बाद आपको मेरे वीडियो देखने के लिए मुझे फॉलो या सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लिंक या फिर आपको बेल आइकन दबा देना है जिससे आपको मेरे आने वाली नई वीडियो के अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो चलो दोस्तों, ऑटो रिक्शा में आपका सभी का स्वागत है। मिलते हैं।